दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूट्यूब बुलेटिन लाइव, जो आपको रखी सबसे आगे सच के साथ। कागजों में हेराफेरी करने के मामले में बेहद तहसील बना चर्चा का विषय। तहसीलदार के निर्देश पर आरोपी महिला के खिलाफ कानून वलेकपाल ने दर्ज कराया जालसाजी का मुकदमा। तहसीलदार ने कहा, फर्जीवाड़ा करने वाली महिला के साथ जो और लोग शामिल थे उनके खिलाफ भी होगी कार्यवाही। यूपी बुलेटिन लाइव बेहद से विशेष संवाददाता प्रभारी अरविंद गोयल की रिपोर्ट। बेहद मुजफ्फराबाद विकास खंड अंतर्गत एक गांव की महिला के खिलाफ जमीन के कागजों में हेराफेरी करने के मामले में तहसीलदार के निर्देश पर कानूनगो वलेकपाल ने कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया है। विदित हो कि बेहद तहसील के मुजफ्फराबाद अंतर्गत ग्राम कुररी खेड़ा निवासी जाकिर अली पुत्र मेहंदी की ग्राम कालूवाला जहानपुर में जमीन थी, जो कुछ समय पूर्व कुररी खेड़ा निवासी श्रीमती जूली पत्नी नकली राम को बेच दी गई थी। उक्त जमीन पर बैंक का ऋण था। श्रीमती जूली द्वारा जमीन का दाखिल खारिज के लिए जब प्रार्थना पत्र दिया और उसके साथ जो जमीन की खतौनी दी गई, उसमें उक्त महिला द्वारा छेड़छाड़ कर जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम करा लिया गया, परंतु खतौनी की जब जाँच की गई तो पुरानी खतौनी में बैंक से ऋण लेने की बात सामने आई, जिस पर तहसीलदार प्रकाश सिंह द्वारा जांच के आदेश दिए गए, जिस पर हल्का लेखपाल की जांच रिपोर्ट आने पर तहसीलदार प्रकाश सिंह द्वारा उक्त आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के आदेश दिए गए, जिस पर राजस्व निरीक्षक सुशील कुमार द्वारा आरोपी महिला के खिलाफ बेहद कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर बेहद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार पांडे ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की संगीन धाराओं 420, 467, 468, 471 के मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्जीवाड़े के संबंध में तहसीलदार प्रकाश सिंह का कहना है कि उक्त महिला के साथ फर्जीवाड़ा करने में जो और लोग शामिल थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ दाखिल खारिज के लिए पत्रावली प्राप्त हुई थी रजिस्ट्रार कानून रजिस्ट्रार ऑफिस से। जब उसमें देखे गए, उसके अभिलेख देखे गए, तो ये पाया गया कि जो खतौनी दर्ज है लगाई गई है साक्ष्य के रूप में, वो खतौनी को संदिग्ध प्रतीत हुई। दाखिल खारिज के दौरान जब उसका अमल दरामद किया जा रहा था, तो वहाँ पाया गया कि वो खतौनी जो पत्रावली के साथ लगाई गई है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। जब ओरिजिनल खतौनी निकाल के देखा गया तो उसमें जो है लोन की प्रविष्टि थी, जिसको कि दाखिल खारिज की पत्रावली साथ संलग्न खतौनी में से हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से राजस्व अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करके ये साक्ष्य गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, इसी फर्जीवाड़े में जो है FIR की कार्रवाई की गई है। अब ये जाँच का विषय है, जब पुलिस जाँच करेगी तो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे वो चीज सामने आएगी।